नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लक्स इन्फोटेक पे। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ जो अल्मोड़ा शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के संदर्भ में जो एक नया नोटिफिकेशन निकल के आया हुआ है उसके बारे में। आज मैं आपको बताऊँगा कि क्या है वो आज का नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने पहले की मेरी सारी वीडियो देखी होंगी शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से रिलेटेड, मैंने आपको हर एक जानकारी दी हुई है। अगर वो जानकारी आप सभी ने नहीं पढ़ी है तो आप मेरे इस चैनल पर जाके वो सभी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं आज की जो नोटिफिकेशन नई निकली हुई है 6 तारीख की, तो देख लेते हैं आज क्या नया है इसमें। कार्यालय कुल सचिव शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा उत्तराखंड, पत्रांग नंबर आपको शो हो रहा होगा SSJU 2020/21/11/16 नंबर है और 6/10/2021 दिनांक है आज की। तो संशोधन किया गया है जो प्रवेश नियम थे उसमें संशोधन किया गया है। संशोधन क्या है वो थोड़ा जान लीजिए। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा एवं समस्त संबद्ध महाविद्यालयों की स्नातक प्रथम सेमेस्टर स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर कक्षाओं हेतु पूर्व में प्रेषित प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता नियम 17/20/21 से प्रभावी के अध्याय 2 नियम 4 का स्पष्टीकरण निम्नवत है। जो जितने भी अभी प्रथम सेमेस्टर के लिए जिन्होंने अभी परीक्षा दी हुई है या कह सकें कि जिन्होंने अभी भरा हुआ है फॉर्म भरा हुआ है एडमिशन के लिए, उनके लिए नई खबर निकली हुई है तो इसको कृपया पूरा देखें, स्किप ना करें। तो आगे पढ़ते हैं। नंबर 1 जो है आवेदक की प्रवेश हेतु अर्हता, उसके द्वारा अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों के आधार पर ही निर्धारित की जाएगी। आवेदक की जो प्रवेश परीक्षा होगी, प्रवेश हेतु अर्हता होगी, उसकी जो है परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों के आधार पर ही की जाएगी। नंबर 2 अवरोध वर्ष के अंक कम किए जाने से आवेदक की अर्हताएं कम नहीं होंगी। अगर आपने 1 साल गैप किया है तो अगर आपके अंक कम किए जाने से आवेदक की अर्हता कम नहीं होगी। अगर आपका वर्ष के अंक कम है तो उससे आपको जो है आवेदन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अर्हता कम नहीं होगी आपकी। जो 3rd नंबर का है नियम, उसमें आप देख सकते हैं अवरोध वर्ष के आधार पर उसकी वरीयता सूची से 5% कम किए जाएंगे। अगर आपने गैप किया हुआ है, 1 वर्ष भी आपका गैप है, तो उसमें जो आपकी वरीयता सूची है, जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसमें आपके 5% कम किए जाएंगे। और अंक कम करने के उपरांत वरीयता सूची में संबंधित प्रवेशार्थी का स्थान निर्धारित किया जाएगा। अगर आपने 1 साल गैप किया हुआ है तो मेरिट लिस्ट में आपको 5% कम अंक दिए जाएंगे और उसके बाद जो है वरीयता सूची में संबंधित प्रवेशार्थी का स्थान निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद आपका जो है स्थान उसमें निर्धारित किया जाएगा कि कौन से स्थान पर आप आएंगे किया जाएगा, तथा स्थान उपलब्ध होने पर उसे प्रवेश भी दिया जाएगा। अगर उसका स्थान आया होगा तो उसको प्रवेश दिया जाएगा। तो ये है आज की नई खबर उत्तराखंड में जो आपका शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अभी हाल ही में बना हुआ है। तो ये है आपकी जो 3 नियम बने हुए हैं, आप इसको भली भांति पढ़ लें। अगर आप स्किप कर चुके हैं तो वापस जाके इसको दोबारा से देख लें, अच्छे से समझ लें कि क्या होगा अगर आपने 1 वर्ष अगर कम किया हुआ है तो यहाँ देख लीजिए। और जितने भी लोग कह रहे हैं कि इसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, जल्दी ही आ सकती है। वैसे जिस हिसाब से ये आज का नोटिफिकेशन निकला हुआ है इसके हिसाब से अगर देखें तो जल्द ही आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करके सेलेक्ट ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।